दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो भीम एप्लीकेशन है NPCI की, जो एप्लीकेशन है इसमें आपको अपना जो है ऐप में रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, ऐप में आपको कैसे रजिस्टर करके उसमें लॉगिन करना है, उसको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। जो ये भीम एप्लीकेशन है जो आधार OTP बेस्ड, जो यहाँ पर आपकी UPI पिन सेट होने वाली है, तो आप सबसे पहले आपको भीम एप्लीकेशन में ही देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको उसमें कैसे अकाउंट बनाना है उसके लिए आपको एप्लीकेशन में ले चलता है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको करना क्या है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे आपको उसमें जो है बैंक अकाउंट को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको आना है प्ले स्टोर में, यहाँ पर देख ली भीम मेकिंग इंडिया कैशलेस एप्लीकेशन मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन है NPCI, यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से शो हो रहा है। तो ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके रखें तो ओपन पर क्लिक कर देंगे। ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख ले थोड़ा लोडिंग चल रही है आपको, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो आपको करना क्या, आपको थोड़ा वेट करना है, कोई भी आपको यहाँ पर कुछ और नहीं करना है। उसके बाद आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने को आएगा, तो आप इसमें से जो भी चाहे लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर जैसे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने इस तरीके से पेज देखिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन जो मांग रहा है उसको आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर सारी परमिशन को यहाँ पर जो है उसको अलाउ कर देंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो अपना सिम कार्ड है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या रहने वाली है, जो आपका बैंक से रजिस्टर जो है मोबाइल नंबर है वो और जो आपका आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर है सेम ही आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके यहाँ पर जो फोन में लगा होना चाहिए। तो मोबाइल नंबर हम इसको जो है हमारे ही मोबाइल नंबर जो अकाउंट से भी रजिस्टर है, आधार से भी रजिस्टर है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पर वेट करेंगे, प्लीज वेट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, जो हमारा वेरिफिकेशन है वो हो रहा है। तो आपको यहाँ वेट थोड़ा वेट करना है, कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना है जब तक कि आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाता है। देखिए जैसे हमारा यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका डिफॉल्ट अकाउंट नंबर जो है डालने को कहा जाता है। आप जिस भी अकाउंट नंबर से अपना यहाँ पर UPI पिन आधार बेस्ड OTP के माध्यम से यहाँ पर आप बनाना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, तो वो अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लीज वेट दिखा रहा है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा रजिस्टर न्यू पासकोड, आपको यहाँ पर पासकोड रजिस्टर करना है। तो आपको यहाँ पर जो पासकोड है आपको 4 डिजिट का यहाँ पर सेट करना है, कोई भी पासकोड यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 डिजिट का एक पासकोड जो है उसको सेट करते हैं, ऊपर डालने के बाद आपको कंफर्म करने के लिए दोबारा से आपको यहाँ पर पासकोड डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे ब्लू चेक मार्क यहाँ पर दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोडिंग लेने के बाद आपका क्या होगा, नेक्स्ट पेज इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो आपका एप्लीकेशन है उसमें आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर अपना UPI पिन सेट करने के लिए आपको ट्राई क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो हमने यहाँ पर भी अकाउंट नंबर डाला था इंडियन बैंक का था, ये यहाँ पर शो हो रहा, तो आपको उस पर ही क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर देखिए 4 डिजिट UPI पिन नॉट सेट यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, देखिए ये वाला ऑप्शन आपको, तो इस पर दोबारा से आपको बैंक पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से देखिए इस तरीके से ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सेट UPI पिन का ऑप्शन आपको इस पर ही यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी हमारा जो है यहाँ पर डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट ही यहाँ पर मांग रहा है। कुछ बैंकों में क्या है कि वहाँ पर आपको यहाँ पर जो लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पर डेबिट कार्ड का मांग रहा है, वहाँ पर आपको आधार का लास्ट के डिजिट वहाँ पर 6 मांगेगा। तो अगर आपको अपना ऐप में रजिस्टर करके जरूर चेक करना है, अगर आपको वहाँ पर आधार के लास्ट के 6 डिजिट अगर आपको वहाँ पर मांग रहा है, तो आपको वहाँ पर 6 डिजिट डाल के आपको अपनी UPI पिन क्रिएट कर लेनी है। अभी हमारे पास इसका डेबिट कार्ड तो है नहीं, तो इसीलिए हम इसका UPI पिन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई अन्य क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।